अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल के मशहूर स्टोर इम्तियाज़ को सील कर दिया गया एसी गुलशन और एएसपी गुलशन और एसएचओ गुलशन के साथ। हम असिस्टेंट कमिश्नर से बात करना चाहेंगे, थोड़ा बताएंगे आप क्या हुआ? जी, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कोई भी अंदर ख्याल नहीं रखा जा रहा था, लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अंदर थे। वो जो लॉकडाउन की जो इकदाम हुकूमत ने लिए थे वहाँ पे इन पे बिल्कुल वो उसको अमल नहीं हो रहा था, इसके पेश नज़र हमने ये अभी सील कर दिया है इसको। एसपी साहब जी, बेसिकली ऐसा था कि इंतजामिया की तरफ से हमें ये बताया गया, खुद ही विजिट किया तो पहले हमने इनके दुकानदारों को भी काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, पर दुकान में खास नंबर से ज़्यादा आप लोगों को अंदर ना जाने दें, क्योंकि अंदर जाते हैं कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं तो वबा के फैलने का खदशा होता है। बाहर तो हम खुद सर्कल बना के हमारे वॉलंटियर फोर्स भी जो इंश्योर कर रही है कि लोग लाइनों में प्रॉपर 3-3 फीट के फासले से खड़े हों, और स्टोर में अंदर जाने के बाद ये इकट्ठे खड़े होते हैं और ये इनकी जिम्मेदारी है कि अगर अंदर रश बढ़ जाए तो बाहर से एंट्री रोक दें। अगर वो नहीं रोक रहे थे तो केसी साहब ने भी हमें ये बात बताई इस तरह से हो रहा है, तो फिर हमने आके इसको सील किया। ऐसे साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बस वो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन ना रखने की वजह से इसको जो है वो सील किया गया, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस डिजीज़ से महफूज रखा जा सके। शुक्रिया।